हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अपडेट कैसे मिलोगे? तो दीदी आज हम कौन सा चैलेंज करने वाले हैं? आज हम करने जा रहे हैं छोटे से लेके बच्चे तक का, बड़े से लेके बूढ़ों तक का फेवरेट चीज का चैलेंज। कौन सा चैलेंज? गोलगप्पा चैलेंज। हमने गोलगप्पा चैलेंज तो पहले कर रखा है। वो गोलगप्पा चैलेंज ट्विस्ट के साथ था, उसमें हमने अलग अलग चीजें के साथ गोलगप्पा खाया था, बट इस बार हम करने जा रहे हैं ईटिंग गोलगप्पा फॉर 24 आवर्स। तो ये 24 आवर्स चैलेंज है। तो आज हम पूरा का पूरा दिन सिर्फ गोलगप्पा खाने वाले हैं, जो सबका ही फेवरेट होता है। हाँ। बहुत ही कम लोग होंगे जिसको गोलगप्पा नहीं पसंद। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आवर चैलेंज। तो इट्स ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, एंड जिसके हमने बोला था कि हम सारा का सारा दिन सिर्फ गोलगप्पे खाएंगे, तो ये रहे हमारे गोलगप्पे। दीदी सुबह सुबह गोलगप्पे कौन खाते हैं? हम खाएंगे, आज हम खाएंगे सुबह सुबह गोलगप्पे, क्योंकि हमने चैलेंज लिया है तो हमें उसे पूरा करना पड़ेगा। हम खाएंगे ये गोलगप्पे। ये मत सोचना कि नॉर्मल पानी वाले गोलगप्पे तो सबने खाए हैं। हम इस वीडियो में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी गोलगप्पे ट्राई करने वाले हैं, हमें वो खुद भी नहीं पता कि वो कैसे होंगे, तो हम पहली बार ट्राई करने वाले हैं, आपको भी दिखाएंगे कि वो कैसे होते हैं। तो वीडियो में एंड तक रहना। एंड अब हमने गोलगप्पे ट्राई करते हैं। हमारे पास यहाँ मीठा खट्टा पानी है और यहाँ मीठी सॉल्ट है और आलू चने भी हैं। तो अब हमने गोलगप्पे ट्राई करते हैं। चीयर्स। गाइस सुबह सुबह गोलगप्पे खा के तो मजा ही अलग आ गया। गाइस वैसे जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, बिना गोलगप्पे खाए तो घर में कदम ही नहीं रखने होते हमें, है ना। हमेशा मार्केट जाते तो मम्मी पहले गोलगप्पे खिला दो, शॉपिंग बाद में कर लेंगे, पहले हमें गोलगप्पे खाने। इतने ज्यादा गोलगप्पे में पसंद है, और ये गोलगप्पे तो बहुत ज्यादा टेस्टी थे। अपने गोलगप्पे जितने भी बचे उन्हें कम्प्लीट करते हैं, आपको मिलते हैं लंच टाइम पे। तो गाइस इट्स लंच टाइम, एंड देखो देखो हम कौन से अतरंगी से गोलगप्पे लेके आए हैं। तो गाइस आपने हमारे पिज्जा गोलगप्पे देखे ना, कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं ना यार ये। इसके अंदर हमने वेजीज डाल रखी है, पिज्जा पास्ता सॉस है, उसके अंदर लिक्विड चीज है और उसके ऊपर भी चीज है, उसके ऊपर हमने ब्लैक ऑलिव डाल रखे है, जो मुझे पर्सनली पिज्जा में तो बहुत पसंद है। बट जो पिज्जा और गोलगप्पे का जो मिक्सचर है ना, अभी पता नहीं कि कैसा होने वाला है, टेस्टी होगा भी कि नहीं होगा। आरुई अब मैं चूज करूंगी आरुई के लिए। आरुई कौन सा खाएगी? आरुई खाएगी ये तड़कता भड़कता इसमें। नहीं 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 गलत बात होती है यार। गाइस ये जो गोलगप्पे है ना, ये देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं, बन कर रहे, इसको एक भी ना दो सारे खा लूं मैं। गाइस ये गोलगप्पे सीरियसली बहुत टेस्टी है, इसका क्रंच भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये पिज्जा गोलगप्पे तो मस्त आया है। अगर आपने कभी खाया है तो कमेंट करके बताना, अरे नहीं खाए तो अभी जल्दी से जाओ और ये बना के खाओ, सच्ची में बहुत टेस्टी। एंड जो ऑलिव का टेस्ट आ रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। जो चीज का फ्लेवर है, इतना सारा जो चीज डाला हुआ है, मतलब अलग ही लेवल का है, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी है। आरुई देखो गोलगप्पे कैसे लगे? तो आरुई के हाथ से अच्छे, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे है, और मेरे को इसका टेस्ट काफी अच्छा लगा, चीज ही चीज। तो गाइस मैं सारे के सारे गोलगप्पे अकेले खाती हूँ, आपसे मिलती हूँ। तो गाइस इट्स स्नैक टाइम, एंड जैसे कि आज हमें सारा का सारा दिन क्या खाना है? गोलगप्पा। तो गाइस हम बाहर आए हैं ओम स्वीट्स पे राज कचौड़ी खाने, एंड मुझे पता है बहुत लोग बोलोगे कि ये गोलगप्पा थोड़ी ना है, बट ये गोलगप्पा ही होता है, बट ये मोटा थोड़ा गोलगप्पा होता है। मैंने आपको बताया था ना सुबह आरवी की तरह मोटा गोलगप्पा, नहीं मेरी तरह तो पापड़ी हो जाएगी ना, बताया था ना मैंने। तो ये मोटा गोलगप्पा है, इसे हम राज कचौड़ी बोलते हैं। गाइस मैंने अच्छे से दही भल्ला चटनी स्प्राउट्स डाल रखे हैं, इन्होंने कितनी टेस्टी लग रही है, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। तो गाइस हम चेक करते हैं कि जितनी देखने में टेस्टी है उतनी ये खाने में भी टेस्टी है कि नहीं।
गाइस दही बल्ले हो ना, इतने टेस्टी है ना इसके अंदर। छोटू से क्यूट से डला हुआ था एंड आलू का फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है। ये पापड़ी इसका तो क्रंच आ रहा है ना, बहुत ही यम्मी आ रहा है। एंड छोलों का और स्प्राउट का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें, और इसमें चटनी आया ना तो इसमें फ्लेवर और इनहांस कर रहे हैं। आपको कैसा लगा? एंड जो गाइस दही का जो टेक्सचर है ना, इतनी ज़्यादा क्रीमी एंड बहुत स्मूथ है ना, खा के लिटरली मज़ा ही आ रहा है। हेलो चला रहा है ना, जो पापड़ी का क्रंच आ रहा है ना, इतना बढ़िया आ रहा है, गजब है। तो गाइस रात की जोड़ी कंप्लीट करते हैं एंड आपसे मिलते हैं अपने डिनर टाइम पे। तो गाइस इट्स डिनर टाइम एंड जैसे हमने सारा दिन गोलगप्पे खाने हैं, तो ये देखो हमारे गोलगप्पे। क्या सोच रहे हो? कुछ तो सोच रहे होगे। एक ही गोलगप्पे ही बस। क्यों गोलगप्पा जा रहे थे तो गोलगप्पे ही पड़े हैं यहाँ। अब गोलगप्पे अब इसको हटाओ। हटाए हमारी फेवरेट क्या है? मैगी। गोलगप्पे का बाहर में मैं खा रहा हूँ मैगी। नहीं मैगी चैलेंज नहीं है, ये है गोलगप्पा चैलेंज। अब आप सोच लो कि मैगी अलग चीज है, गोलगप्पा अलग चीज है, बट हम एक मिक्सचर ट्राई करने वाले हैं जो आई बेट किसी ने खाया ही नहीं होगा यार। बहुत कम लोगों ने। तो हम खाने जाने वाले हैं इस गोलगप्पे के अंदर ये मैगी। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, ये गोलगप्पे जो सबको पसंद है और ये मैगी जो सबको पसंद है। देखते हैं कि आपको पसंद आती है या नहीं आती है साथ में मिलके। तो गाइस हमारे मैगी गोलगप्पा रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसे होंगे। मुझे देखने में तो इतने अच्छे नहीं लग रहे बट ट्राई करके देखते हैं, शायद अच्छे निकल जाए। गाय ने कम खा फूका सा लग रहा है, मतलब कुछ होना चाहिए इसके अंदर लिक्विड टाइप। आइडिया है मेरे पास? मम्मी जरा सॉस देना। सॉस बहुत दिखा, सॉस में कैसा लगेगा? ये रही हमारी सॉस, हम इसमें ट्राई करते हैं, डालते हैं इसमें कि ये सॉस से अच्छा लगेगा कि नहीं। तो गाइस हमारा मैगी प्लस सॉस गोलगप्पा तैयार हो चुका है, हम इसे ट्राई करते हैं कैसा है। तो मैं बताती हूँ कैसा है। गाइस मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपको पता हमने हमारी जो सेकंड वीडियो थी गोलगप्पा चैलेंज, जिसमें हमने चूज करा था, हमने नारियल पानी सॉस वगैरह डाल के गोलगप्पे खाया था। ये सॉस से अच्छा मैंने खाया था, तूने खाया था? मैंने खाया था। मैंने खाया था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं सोच क्या सोच के खा लिया यार मैंने इसके, ये बहुत गंदे लगे हैं गाइस। इसे कभी मत ट्राई करना, मैगी और गोलगप्पा का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों अच्छी अच्छी चीजें अलग अलग अच्छी लगती है और ये सॉस भी। तो गाइस मुझे लगता है हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ये ऐसा कभी नहीं होता था, भूखे पेट तो अभी डेजर्ट भी, डेजर्ट भी तो बाकी है। चलो देखते हैं कि डेजर्ट में हमें क्या मिलने वाले इंटरेस्टिंग सा गोलगप्पे के साथ। चलो अब हम डेजर्ट का इंतजार करते हैं, आपसे मिलते हैं अपने डेजर्ट टाइम पे। तो गाइस इट्स डेजर्ट टाइम एंड देखो हमारे पास डेजर्ट के लिए यहाँ पर क्या क्या है। हमारे पास ये देखो चॉकलेट से लथपथ गोलगप्पे है, चॉकलेट चिप्स, ये ग्रेबॉल्स सिरप और वनीला आइसक्रीम। आपने शायद पहली बार ये चॉकलेट गोलगप्पे देखे होंगे एंड ये काफी यू नो अच्छे से लग रहे हैं, टेम्पटिंग से लग रहे हैं एंड काफी इंटरेस्टिंग से भी लग रहे हैं। चॉकलेट गोलगप्पे, गोलगप्पा विद चॉकलेट, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो चलो हमने गोलगप्पे बनाते हैं। क्रंची प्लस मीठा। तुम्हारा चॉकलेट गोलगप्पा रेडी हो चुका है, नीचे भी चॉकलेट, ऊपर भी चॉकलेट और अंदर भी आइसक्रीम, टेस्टी लग रहा है। तो आ रही है ये खाओ, इतने में दूसरा बनाती हूँ अपने लिए, खाओ आप ये वाला। मम्मा जी, बोलियो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, दोबारा बोलो।
मम्मा को क्या समझ आ गया? समझ आ गया जो उसने बोला कि रोज बनाना है। ठीक है, पर मैं भी खाऊंगी, पर पहले मैं फिर तो खा के देखू। नहीं मैं खाऊंगा। गाइस सुपर क्रंची, सुपर चॉकलेटी और सुपर ठंडे, यम्मी है। गाइस चॉकलेट गोलगप्पे भी सच्ची में ना पिज्जा गोलगप्पा के ना मस्त ट्राई करें, बहुत ज्यादा टेस्टी गोलगप्पे हैं। गोलगप्पा आइसक्रीम और चॉकलेट का फ्लेवर तो कसम से इतना ज्यादा टेस्टी है ना। एंड गाइस सच्ची में अगर हमने ट्राई करे तो हमें जरूर बताना, और अगर नहीं करे ना तो क्या कर रहे हो। ये वीडियो पहले पूरी खत्म करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जो हमारे सारे सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करो और फिर ये ट्राई करो। तो इस यम्मी से डेजर्ट के साथ हम वीडियो यहीं करते हैं, एंड अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।